जगह रहेगी, थारा इंतजार खत्म। मैंने अपना वादा निभाया, अब थारी बारी। We'll be right back.
अरे ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है जो बचपन से लेकर जवानी तक कायम रहता है, सुना? चलिए अब एक दूसरे को अंगूठे पहनाओगे। ये डिजाइन तो याद है, ये तुमने अब तक संभाल के रखी है? तो 7 साल का था जब तूने मुझे ये रिंग दी थी, मैंने तब से संभाल के रखी। मैंने भी तो तुझे रिंग दी थी बचपन में, ऐसी प्लास्टिक वाली, कहाँ पे? ओ, वो रिंग? वो रिंग तो ओ ठीक है, दैट्स ओके। तेरे पास भी ये रिंग है? पिंच क्यों कर रही है? ये तो बस शुरुआत है, आगे देख क्या हाल करती हूँ। अरे तुम दोनों को और तुम्हारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। वो क्या है ना कि मंगनी से लेके शादी तक का जो वक्त होता है ना, बड़ा ही नाजुक होता है, क्या पता कोई बला पीछे पड़ जाए। पागल है क्या? मम्मी जी वैसे एक बात कहूँ आपसे, ये ना चाहे जितना भी मजाक किया, ये उन मर्दों की तरह नहीं है जो धोखा देने का बस चांस ढूंढते रहते हैं। मन्नू क्या हो गया, मुझे अचानक से सब बाहर क्यों ले, अंदर सब वेट करे होंगे। अरे यार मैं ना बहुत पक गया हूँ रिश्तेदारों के बीच में रह रहे के 2 दिनों से, कुछ एडवेंचरस करते चल। एडवेंचरस यहाँ पे? यहाँ पर आने से पहले मैंने मुंबई में इस शहर के बारे में सारे रिसर्चेस कर लिए थे और मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि यहाँ पर कोई भूतिया पेड़ है। तो चल वहाँ चलते हैं, वहाँ से भूतिया पेड़। वाओ सो रोमांटिक, सगाई के दिन हम भूतिया पेड़ देखने जाएंगे। यस वही तो, जंगल में हम दोनों अकेले। आई मीन मैं ये कह रहा था कि हमें पता भी चल जाएगा कि कोई बला पीछे पड़ती भी है और हम ना वो भूतिया पेड़ के सामने पिक्चर भी क्लिक करवाएंगे। चले ओके लेट्स गो। ये तो सच कुछ भूतिया पेड़, आई मीन सेब का पेड़ और राजस्थान में। सिया इसके बारे में अपने ब्लॉग में कहानी लिखूंगा, कितने सारे लाइक्स आएंगे यू नो। मनु तूने वो आवाज सुनी? ये क्या आवाज है, इतनी डरावनी सी जैसे कोई रो रहा हो। सिया बचपन से लेके आज तक मैं तुझे एक ही तरीके से डरा रहा हूँ और फिर भी तू डर गई। मन्नू
ये क्या तरीका है मजाक करने का? अगर डर के बारे में मेरी जान निकल जाती तो? अच्छा बाबा, I'm sorry. और अच्छा चल अब माफ भी कर दे. मजाक हो गया बहुत, मुझे घर जाने थक गई हूँ. अरे अभी कहाँ, अभी तो फोटो ही नहीं लिए. मैं अभी फोटो लेता हूँ. ये पेड़ पे क्या है? क्या है पेड़ पे मनु? क्या हो गया? मनु कुछ नहीं, वो बस अब तूने खींच ली ना अपनी फोटो, अब चलते हैं, लेट भी हो गया है बहुत. चल पीछे की सीट से आगे कैसे आया? ये से मत खाना, मत खाओ ये से मत खाओ. अरे तारे बीन को ये से मत खिलाना, मत खाना ये से मत खाना, ये से मत खाने देना, ये से मत खाना, मत खाना ये से. कौन थी ये? इस बेचारी आंटी की दिमागी हालत काफी बरसों से ऐसी है. यूं ही सड़कों पे जंगलों में घूमती रहती है. किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ. वैसे उस बेचारी आंटी की मेहनत पूरी पानी में चली गई. अब उनको क्या पता कि मनु सिंगल को सेब तो क्या, कोई भी फल बिल्कुल पसंद नहीं. फल मतलब फल भी कोई खाने की चीज है? याद से मुझे फोन कर, तू हमेशा भूल जाते है. हाँ वैसे भी आज रात को मैं अकेला हूँ, क्या पता कोई साथ आ जाए. सो फन. गुड नाइट. गुड नाइट. क्या हो रहा है? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है. वाह भूख की वजह से खाने की चीजों के सपने दिख रहे हैं मुझे. कौन है और आप ऐसे रो क्यों रही है? आप सुन रही है मेरी बात? आप कुछ कुछ तो बताइए, आप रो क्यों रही है?
छोड़ के चली गई। मतलब आपके पति? घनी रात से मुझे डर लग रहा था, इसलिए यहाँ चली आई। मैंने माफ कर दो, मैंने आपकी नींद खराब कर दी ना, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप बैठिए। मैंने तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? हमारे बीन आएंगे ना मैंने लेने, तो मैं उनका यही इंतजार करूंगी। लेकिन आप ऐसे कब तक इंतजार करती रहेंगी? देखिए मौसम भी ठीक नहीं है, ठंड भी बढ़ जाएगी। अगर आप चाहे तो आप मेरे घर पर। नहीं, मैंने जाने दीजिए। आपकी मंगेतर को बुरा लग गया तो मैं चलती हूँ। आपने कुछ खाया भी है या नहीं? वैसे तो घर पर भी कुछ नहीं खाने के लिए, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। आप गाड़ी में एक सेब रखा हुआ है, चलेगा अभी ले। आपकी घनी कृपा, जो आपने इतनी रात को एक मजबूर औरत की मदद की, अब एक अरज सुनेंगे? कहिए ना। मैंने बहुत अच्छा लगेगा अगर ये सेब पहले आप खाएं तो। ये सेब मत खाना। को चलना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। मतलब रात बहुत हो गई है, आज रात आप यहीं रुक जाइए, कल आपको जहां भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। जैसी तारी मर्जी। पता नहीं आज अचानक से घर की लाइट्स को क्या हो गया। सॉरी, वो मेरी मंगेतर का कॉल है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। हाँ सिया। हेलो मिस्टर मन्नू, कहाँ हो तुम? अभी तक घर नहीं पहुंची क्या? कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। गुस्सा, क्या प्रॉब्लम है तेरी सिया? क्यों कॉल करती रहती है मुझे? क्यों इतने सवाल पूछती रहती है? मनु, क्या हो गया? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मनु, ये हंसी की आवाज किसकी थी?
तुम्हारे साथ कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है यहाँ। सॉरी, वो मेरी मंगेतर का कॉल था। कोई बात नहीं, मैं जानू सु, उन्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। मैं चलती हूँ। रुकिए। सॉरी, देखिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं गेस्ट रूम में आपका रहने का इंतजाम करता हूँ। इमारत ठिकाना से जब भी थारे कुमारी याद आएगी, मैं तन्ने यही मिलूंगी। आवेगा ना तू? ठीक तो है ना मनु? हाँ सिया। मनु क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? कल रात से मैं कितनी परेशान हूँ, बात ही नहीं हुई। मनु एक बार प्लीज सच सच बता, कल रात को तू किसी लड़की के साथ था क्या? समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। मनु पर हेलो, हुआ क्या ये तो बता। हेलो, ऐसे अचानक से यहाँ पर क्यों चली आई? मैंने मारे बीन का इंतजार जो करना से। अगर आप उसका इंतजार क्यों कर रही है जो आपको ऐसे अकेले छोड़कर चला गया? और कब तक इंतजार की बेड़ियों में अपने आप को बांधे रखेंगी आप? अगर वो नहीं आया तो? तू चाहता है कि मैं इस इंतजार से मुक्त हो जाऊं? तो इसका एक ही रास्ता है,
कि मारे हिस्से का इंतजार कोई और अपने सर ले ले। मगर ऐसा करेगा कौन? थारी बिंदी। पता हारे को पाने वास्ते करेगा तू ही। शादी कैसे कर सकते हैं मनु? शादी होगी तो दो दिनों में ही होगी, वरना नहीं होगी। मनु पर थोड़ा तो सोच, इतने सारे इंतजाम, रिश्तेदार कैसे हो पाएगा दो दिन में? सबका हमें क्या करना है? हम है ना यहाँ, शादी हमने करनी है ना? मनु कोई प्रॉब्लम है क्या? सच सच बता मुझे, तूने कभी ऐसे बेवजह जिद नहीं की आज अचानक से? देख कुछ है तो बोल ना मनु। तू ये सेब कब से खाने लगा? कब से मैं बोल रही हूँ कुछ? मनु मुझे दर्द हो रहा है। शादी होगी और दो दिनों में ही होगी। बेटा ये विभूति और ये सब क्या है? मम्मी जी हमारे पास समय बहुत कम है, जैसा मैंने कहा है बस आप वैसा कीजिए। मनु के कमरे के चौखट पर, उसकी खिड़कियों पे, बिस्तर के नीचे, हर जगह इस विभूति की सीमा रेखाएं बना दीजिए। और याद रखिए, किसी भी हालत में मनु को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। और किसी भी हाल में मनु के आसपास एक भी सेब ना पाए। सेब? जब वो जिंदा थी तो उसके बिंद ने अपनी प्रेमिका की मदद से पहली रात को ही बेनी को मार दिया और उसी जगह दफना कर उस पर सेब का पौधा लगा दिया। पर एक अतृप्त प्रीतात्मा के बदले की आग ने उस पौधे को एक भयानक पेड़ बना दिया। जीते जी जो प्यार बेनी को नहीं मिला वो दूसरे को भी नसीब ना हो वही वो चाहती थी। कोई कोई तो उपाय होगा ना आपके पास? हे भगवान मेरे मनु की रक्षा करना। Thank you.
इतना अच्छा लग रहा है, अब तबीयत ठीक है ना तेरी? क्या हुआ, तुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आज हम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं? 24 घंटे बाद जब मैं उठा तो मुझे सुनकर ये धक्का लगा कि आज हमारी शादी है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, बस इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ बेईमानी की है उस टाइम के वश में आके। और मन, तुझे पता है हमारा प्यार इतना सच्चा, इतना पक्का है कि बिना बोले भी हम एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। जो भी हुआ वो उस डायन के मायाजाल का नतीजा था, ना कि तेरे इरादे का या तेरी नजर का। क्या मैं अपने मन्नू को इतना भी नहीं जानती? पता है तुझे, तू ना सिर्फ मेरे बचपन का प्यार है, मन्नू तो मेरी जीने की वजह है। और कोई मुझसे मेरी सांस ही छीन ले, मैं कभी नहीं होने दूंगी। मनु, चलो बेटा, मुहूर्त का समय हो गया है। आओ बेटा, अंदर आओ। आजा बेटा, अंदर आजा। क्या हुआ? मम्मी जी, आपने मन्नू के कमरे के बाहर विभूति की सीमा रेखा नहीं बनवाई? बनाई तो थी बेटा, पता नहीं किसने मिटा दी। माफ करना माँ जी, मुझे लगा कि वो साधारण सा पाउडर था, इसीलिए मैंने सारी खिड़की और चौखट से उसे साफ कर दिया। हे भगवान, अब क्या करेंगे? मनु कहाँ है इस वक्त? एक सदी से सच्चे प्यार का इंतजार कर रही हूँ। मैंने लगा था कि थारे हाथ से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। सच्चा प्यार करने लगी थी तने, मगर तूने भी धोखा दे दिया ना। जा रही हूं मैं विरहा की अग्नि में जलने। जाना कहाँ पे मनु?
को रोकने में नाकामयाब हुए तो अगर उसने मनु को तीसरा सेब खिला दिया फिर तो फिर वही होगा जो पहले हुआ। तन्ने भी वो जंगल में ले जावेगा उसी पेड़ के नीचे। वादा पूरा किया, अब मन में मुक्ति मिलेगी। मनु, अगर तू सचमुच यही चाहता है ना तो मैं तेरे लिए खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाऊंगी। जाओ, नहीं जाओ, नहीं इधर मत आओ, नहीं इधर मत आओ, मत आना, जाओ वापस जाओ, वो तुम्हें मार डालेगी। पर एक बात बता मुझे, क्या 20 साल का प्यार इतना खोखला था कि एक डाइन के मायाजाल के सामने वो कमजोर पड़ गया? इसके बहकावे में मत आना कि हमारा मिलन ना होने देगी। नहीं मनु, नहीं इसकी बातें मत सुनना। नहीं 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 इधर मत आना। भेज भेज इसे मेरे पास। नहीं मनु, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मत आओ इधर, जाओ 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 जाओ, वापस जाओ। भेज तारी बीननी को मेरे पास। नहीं मन्नू, और कर दे मन्ने मुक्त। थारे और मारे मिलन का सिर्फ यही एक रास्ता है, भेज इसे मेरे पास। ऐसा मत कर, इसकी एक ना सुन, भेज भेज इसे मेरे पास। जाओ जाओ, इधर मत आओ, इधर मत आओ, जाओ वापस जाओ, वो तुम्हें मार डालेगी। जाओ 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 इधर से। नहीं मनु, नहीं ऐसा मत कर। मनु मेरी आंखों में देख, क्या तुझे तेरा पहला दोस्त नहीं दिखता? ये भी नहीं, दुनिया के सारे गहनों से कीमती है ये मेरे लिए। जो मंगलसूत्र तूने मुझे पहना है से भी ज्यादा कीमती, क्योंकि ये मेरे पहले मेरी सच्ची प्यार की निशानी है। मनु, मनु बोल ना कुछ, तू तो चुप क्यों खड़ा है? मुझे मेरा जवाब मिल गया। ठीक है, अगर तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मैं भी तुझे बांध के नहीं रखूंगी। तू चाहता है ना कि मैं इसके पास चली जाऊं? चली जाऊंगी मैं।
तुम्हें मार डालेगी, वापस जाओ। ये क्या करने जा रही थी तुम? तो बहुत देर हो चुकी है, बस एक बात का गम कि मेरी नादानी की वजह से हम दोनों अलग हुए। मनु, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती, कभी नहीं। Thank you.